जाको राखे साई या मार सके न कोई। ये कहावत तो आपने जरूर जरूर सुनी होगी कि जिसके साथ ईश्वर है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं झुंझुनू जिले के पिलानी से एक घटना सामने आई है जहाँ 3 साल की बच्ची के ऊपर से ट्रैक्टर निकल जाता है लेकिन उसके बाद भी वो बच जाती है। पल भर के लिए तो ऐसा लगा था कि मासूम को ट्रैक्टर ने कुचल दिया लेकिन कुछ देर बाद ही वो बच्ची उठ खड़ी हुई, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। मामला झुंझुनू के सूरजगढ़ का है। झुंझुनू के कुलोट गाला गाँव में सरकारी प्राइमरी स्कूल के पास दीपक अग्रवाल नाम के युवक का घर है। वही गली में दीपक की फोटो स्टेट की दुकान है। 7 अप्रैल की सुबह 9:30 बजे दीपक की 3 साल की बेटी आयुषी अपनी छोटी चचेरी बहन परी के साथ सड़क पर खेल रही थी, तभी गांव के ही रहने वाला धर्मा जाट नामक दुकान पर सामान लेने ट्रैक्टर से आया। वो दुकान के सामने ही ट्रैक्टर को खड़ा करने जा रहा था लेकिन इस दौरान आयुषी खेलते खेलते दुकान से बाहर आई और गली में खड़े ट्रैक्टर के सामने चली गई। धर्मा सामान लेकर ट्रैक्टर पर बैठा और स्टार्ट कर दिया। धर्मा को पता नहीं था कि सामने बच्ची है। वही ट्रैक्टर के आगे रीपर जो फसल काटने की मशीन लगी होने के चलते उसका ध्यान बच्ची की तरफ नहीं गया। वही ट्रैक्टर चला तो आयुषी को टक्कर लगी और वहीं गिर गई और आयुषी के ऊपर से गाड़ी निकल गई। वहीं सामने से आ रहे एक व्यक्ति ने बच्ची पर ट्रैक्टर चढ़ते हुए देखा तो वो चिल्लाने लगा और वहां दौड़ा। उसकी आवाज सुनकर आयुषी के पिता दीपक बाहर आए और बेटी को संभाला। आयुषी के ऊपर से पूरा ट्रैक्टर निकल गया था। एक पल को तो लगा कि आयुषी अब नहीं बची लेकिन ट्रैक्टर निकलते हुए तुरंत उठ खड़ी हुई। हालांकि रीपर से उसे हल्की चोटें आई है और हादसा 7 अप्रैल को हुआ था लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। वहीं 3 साल की बच्ची आयुषी अब स्वस्थ है। दीपक की दुकान के पास ही उसके बड़े भाई शिव की किराने की दुकान है। शिव भी उस वक्त वहीं मौजूद था। शिव की बेटी परी और आयुषी दोनों दुकान के सामने ही खेल रहे थे। हल्ला सुनकर घर से आयुषी की माँ दीपिका, दादा सुभाष, दादी ताई प्रिया घर से बाहर आए। घटना के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर धर्मा भी सकते में आ गए कि आखिर क्या हो गया। कुछ आके जाकर उसने ट्रैक्टर रोका और लौट कर बच्ची को संभाला तो बच्ची को सकुशल देख उसने राहत की सांस ली। वहीं दीपक ने बताया कि हादसे के समय दोनों भाई दुकानों पर थे, बाकी परिवार के लोग घर के अंदर थे। आयुषी कब निकलकर ट्रैक्टर के सामने चले गई किसी को कुछ पता नहीं चला। वहीं आयुषी की दादी गीता देवी कहती है कि किसी चमत्कार ने ही उसे बचाया है।